कैसे हो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका ट्रेडिंग मास्टर्स चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कि ट्रेंड लाइंस कैसे ड्रॉ करें और ट्रेंड लाइंस पे ट्रेड कैसे लेते हैं। बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरा 1-on-1 कोचिंग क्लास ज्वाइन करना है तो प्राइस और डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना बहुत ही आसान है। मैं बहुत बार बोलता हूँ लोगों को कि क्या करें हम जब हम ट्रेंड लाइंस को देखते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि बॉडी टू बॉडी ले या बॉडी टू वीक ले। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि बॉडी टू बॉडी लो पहले। बॉडी टू वीक आपका सेकंड पॉइंट हो सकता है। जब आपको मतलब कि बॉडी टू बॉडी नहीं जा रहा, आप जब थर्ड टच पे आओ तब ट्रेड लो। दो टच जो है ना, ये जो पहले दो टच है, ये फर्स्ट टच सेकंड, और ये रेजिस्टेंस रेड टू रेड लेना है। ठीक है, सपोर्ट ग्रीन टू ग्रीन, रेजिस्टेंस रेड टू रेड। अब आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। अब आपको ये जो दो टचेस है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपको लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज करना है। उस पर आपको ट्रेड नहीं लेनी। आपको ट्रेड कहाँ लेनी है? आपको ट्रेड लेनी है डायरेक्ट थर्ड टच पे, थर्ड टच, फोर्थ टच, वहां पे। और मैं एक चीज और बता दूं, जितने टचेस ज्यादा बढ़ते जाएंगे ना, उतना वो ट्रेंड लाइन कमजोर होता जाएगा। जैसे लेवल्स कमजोर होते जाते हैं, जितनी बार काम करता जाता है लेवल्स, उतनी बार लेवल्स कमजोर होते जाते हैं, वैसे ये ट्रेंड लाइन्स भी कमजोर होते जाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है हमेशा। अगर आप ट्रेंड लाइन्स पे ट्रेड ले रहे हो तो ये चीज अपने दिमाग में रखो कि ट्रेंड लाइन्स आप बॉडी टू बॉडी ही लो। बॉडी टू वीक कब जाना है? जब आपके पास कोई चांस ना हो। और मैं तो बोलूंगा बॉडी टू वीक लो ही ना। अगर बॉडी टू वीक लेने का चांस आ रहा है तो अवॉइड कर दो, सिंपल। अब देखो मैं नेक्स्ट चार्ट दिखाता हूँ आपको। तो ये भी है हमारा ट्रेंड लाइन मार्केट। ट्रेंड लाइन कैसे है? जो न्यू हाई न्यू लोस बनाती है, हाई 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 लोस बनाती है, ऐसी मार्केट में ही आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। अब यहाँ पे जो मैंने रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है वो की है बॉडी टू बॉडी, रेड टू रेड, और सपोर्ट ड्रॉ की है वो की है ग्रीन टू ग्रीन। ठीक है, बॉडी टू बॉडी। अब यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है आप देखो, ये परफेक्ट ट्रेंड लाइन हमेशा है ना टेढ़ी होती है। ठीक है, नीचे ऐसे ट्रेंड लाइन और सपोर्ट में ऐसे ऊपर जाएगी। ये चीज ध्यान रखना है। आपने बॉडी टू बॉडी ड्रॉ की है, रेजिस्टेंस रेड टू रेड और सपोर्ट है ग्रीन टू ग्रीन। अब ये मैंने चार्ट इसके लिए दिखाया, पिछला चार्ट अप ट्रेंड था, ये डाउन ट्रेंड है। कोई भी ट्रेंड हो, ट्रेंड लाइन का सिंपल फॉर्मूला है सपोर्ट ग्रीन टू ग्रीन और रेजिस्टेंस रेड टू रेड। ये चीज आपको आपके दिमाग में डाल देनी है, क्योंकि ट्रेंड लाइन में लोग क्या करते हैं, गलती कहां कर देते हैं कि डोजी को भी ले लेते हैं, किसी भी कैंडल को ले लेते हैं, जो कि गलत चीज है। ऐसा नहीं करना। अगर नहीं हो रहा ट्रेंड लाइन ड्रॉ, आप नहीं कर सकते, मार्केट सीधा आ रहा है, तो फिर ट्रेंड लाइन पे ट्रेड क्यों ले रहे हो? नहीं ले रहा चाहिए तो पहले तो ट्रेड क्यों ले रहे हो? जब भी मार्केट ये ऐसे फॉर्म में घूमे तभी आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना बहुत ही आसान है। अगर कोई आपको बोलता है ना कि ट्रेंड लाइन को कॉम्प्लिकेटेड बनाता है, तो आप उसका मत सुनिए। ट्रेंड लाइन आसानी से ड्रॉ करिए, और आपको थर्ड या फोर्थ टच या उसके आगे ट्रेड लेनी है। ज्यादा याद रखना है कि ज्यादा टचेस होंगे और ज्यादा मतलब कि आगे आप जाते जाओगे तो वैसे वैसे ट्रेंड लाइन कमजोर होती जाएगी। ये चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो स्क्रीन पे आपको मेरी 1-on-1 कोचिंग क्लास डिटेल्स दिख जाएगी, और कॉन्टेक्ट डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ सक्सेसफुल ट्रेडिंग।